हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी एस क्लास है। दोस्तों तो आज का टॉपिक है वुमन प्रीमियर लीग 2023 WPL जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जैसे IPL पुरुषों का होता है दोस्तों, वैसे महिलाओं के लिए पहली बार भारत में WPL शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये 2023 में पहला संस्करण, कोई पूछेगा क्वेश्चन पहला संस्करण। देखिए दोस्तों, ये करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, वो BPSC हो, JPSC हो, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते हैं दोस्तों। तो इसे मजाक में नहीं लेना है, कंपटीशन व्यू से आपको ये बताया जा रहा है। तो पहला WPL खेला गया 2023 में। दोस्तों बोलेगा ये आयोजन कहाँ किया गया था, ये दो जगहों पे आयोजन किया गया, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। तो गुजरात में पहली बार सबसे पहला मैच दोस्तों, ये सबसे पहला मैच किसके बीच के खेला गया था WPL का, तो MI और GG के बीच में खेला गया था। MI कहने का मतलब मुंबई इंडियन और गुजरात ज्वाइंट्स। ये बोलेगा किस स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था दोस्तों, तो ये DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। इसमें जीत किसको हुई, तो मुंबई की जीत हुई। और कितने किसे हराया, गुजरात को कितने 143 रनों से हराया दोस्तों इसमें। तो दोस्तों सबसे आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसमें टाइम शामिल टीम कितने थे, पाँच टीम इसमें, कितने दोस्तों शामिल थे, पाँच टीम शामिल थे। वो पाँच टीम का नाम क्या है, MI GG, MI का नहीं मुंबई इंडियन, उतना मत याद रखे दोस्तों, मुंबई गुजरात UP दिल्ली बेंगलुरु, इतना शामिल थे इसमें। MI मुंबई RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु DC दिल्ली कैपिटल UP वॉरियर और गुजरात जायंट्स। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बनेगा कि ये मालिक कौन है इन टीमों का, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मालिक कौन है इस टीमों का सबका। तो MI का नीता अंबानी कौन नहीं जानता है, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के पत्नी धर्म पत्नी, ये भी एक हीरोइन थी। कितने करोड़ में ये खरीदी थी इस टीम को, 912 करोड़ दोस्तों। उसके बाद आरसीबी के मालिक कौन है, DRDO कौन है, DRDO ये कितने करोड़ में खरीदे थे, 901 करोड़ में खरीदे थे। दिल्ली कैपिटल का सजन जिंदल, भूलिएगा नहीं, वो दिल्ली कैपिटल IPL यहाँ ऋषभ पंत खेलते हैं, उसे सजन जिंदल और मल्लिकार्जुन, इसको कितने में खरीदा, 810 करोड़ में खरीदा था। और UP वॉरियर को कॉपरी ग्लोबल खरीदा था, इस 757 करोड़ में खरीदा दोस्तों। और जी कौन नहीं जानता है गुजरात जॉइंट्स का, गुजरात में किसका बोलबाला, अडानी ग्रुप 1289 करोड़ में खरीदा, सबसे महंगे ये हुए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे माइंड में आपको चला कि ये WPL 2023 हुआ तो इसमें जीता कौन सबसे पहला बार, तो WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो मुंबई ने जीता। किसे, मुंबई ने, किसे हरा कर जीता, तो दिल्ली कैपिटल को। मुंबई दिल्ली कैपिटल को कितने से, दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया और पहला संस्करण पर अपना हक जमाया। तो WPL 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में, दो स्टेडियम के याद रखिएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑरेंज कैप, एक ऑरेंज कैप WPL का या IPL का सबसे खास होता है, तो ऑरेंज कैप मिला किसे, ये ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को मिला। ये मैग लैनिंग कहाँ है, दिल्ली की कैप्टन है। ये कितने रन मारे दिल्ली के कैप्टन, 9 पारियों में 345 रन मारे, सबसे हाईएस्ट जो रन मारता है मतलब सभी पारियों को मिला के उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है, ठीक है। उसी के बाद एक जस्ट होता है पर्पल कैप, ठीक है, ये बैटिंग को बैट्समैन को दिया जाता है, ये बॉलर को दिया जाता है। हैली मैथ्यूज ये 16 विकेट लिए, हैली मैथ्यूज कितने लिए, 16 विकेट लिए। ये कहाँ से खेलती है, मुंबई से, कहाँ से खेलती है, मुंबई से खेलती है। सबसे खास दोस्तों एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, WPL का शुभंकर, WPL का शुभंकर या इसे मैस्कोट बोल दीजिए। मैस्कोट क्या है, शक्ति, शक्ति मतलब बाघिन। हमारे भारत की महिलाएं कोई बाघिन से कम थोड़ी है दोस्तों, पता है महिलाएं। मिताली राज कौन नहीं जानता, आज कमेंटेटर बन चुकी है ये मिताली राज, भारत में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो मिताली राज उसी हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधान है, बहुत सी महिला है, शेफाली वर्मा जिसे वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है, लेडी वीरेंद्र, बहुत अच्छा इन स्कोरर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो WPL का शुभंकर क्या हुआ, शक्ति या बाघिन बोल सकते हैं। WPL में हैट्रिक लेने वाली पहली महिला कौन बनी, हैट्रिक मतलब लगातार 3 विकेट लेने वाली कौन महिला बनी, इसी बोंग। ये कहाँ से खेलती है, MI से, मुंबई इंडियंस से खेलती है। WPL का फाइनल मैच कहाँ खेला गया दोस्तों, ये ब्रेबोर्न स्टेडियम में, कहाँ खेला गया, ब्रेबोर्न स्टेडियम। ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का है दोस्तों, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, मुंबई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है, आप लोग को पता, वानखेड़े ब्रेबोर्न स्टेडियम, ये दोनों कहां पड़ते हैं, मुंबई में पड़ते थे। WPL का पहला संस्करण में कुल कितने टीम लिए, तो ये तो बता चुका, 5 टीमों ने भाग लिया। 5 टीम मध्य देखे दोस्तों, 5 टीम का नाम देखें, मालिक देखें, अब देखेंगे कोच।
कोच ऐसे कम सम क्वेश्चन बनता है, लेकिन याद रखिए एमआई का कौन है, शार्लेट एडवर्ड, एक बार नाम सुना रहेगा काम आएगा कभी, शार्लेट एडवर्ड इंग्लैंड के थे। आरसीबी बेन सोयर, आरसीबी के कौन है, बेन सोयर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले। दिल्ली कैपिटल के जोनाथन वेटी, ये भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड के रहने वाले। यूपी वॉरियर का जॉन लुई, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और गुजरात के राचेल हेंस, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूपीएल का मैच पहला किसके किसके बीच, एमआई और जीजी के बीच खेला गया था, डीवाई पाटिल स्टेडियम जो गुजरात में पड़ता है। अगला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन पड़े थे, डब्ल्यूपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, स्मृति मंधाना, ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। स्मृति मंधाना ये किस टीम ने इन्हें खरीदा था, आरसीबी ने, बेंगलुरु ने इसे खरीदा था, 3.4 करोड़ में खरीदा था दोस्तों। ये आरसीबी के क्या है, कैप्टन है। उसी तरह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर उसे बोला जाए जो पहली बार डेब्यू करे और सबसे बेहतरीन उसका प्रदर्शन रहे, उसे क्या बोला जाता है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बोला जाए। यास्तिका भाटिया, किन्हें मिला, यास्तिका भाटिया को, ये कहाँ से खेलने वाली है, एमआई से, यानी मुंबई इंडियंस से खेलती है दोस्तों। बेस्ट कैच ऑफ टूर्नामेंट, देखिए बेस्ट कैच के मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसा कैच जो लेने लायक ना हो फिर भी उस कैच को रोका गया हो, उसे बेस्ट कैच ऑफ टूर्नामेंट बोला जाता है। ये किसे मिला, हरमनप्रीत कौर को मिला, ये कहाँ की है, मुंबई की। अगर भारत में पूछे हरमनप्रीत कौर कहाँ की है, पंजाब की। आगे देखिए पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट, पावरफुल स्ट्राइकर कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एक गेंद में अगर एक 4 रन मार दिया जाए चौका तो 400 का स्ट्राइक रेट हो गया, अगर छक्का मार दिया एक गेंद पे तो 600 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये इनका पावरफुल स्ट्राइकर कहने का मतलब कि 10 गेंदे खेले और 30 रन मार दिए तो 300 का स्ट्राइक रेट हो गया, तो इसीलिए दिया जाता है पावरफुल स्ट्राइकर। पूरे टूर्नामेंट में किसका रहा, सोफिया डिवाइन का। ये कहाँ से खेल रही थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से, कहाँ से खेलती है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से, सोफिया डिवाइन काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। किस महिला ने सर्वाधिक छक्का लगाया, तो दो दो महिलाओं ने सर्वाधिक छक्का लगाया, एक सोफिया डिवाइन और शेफाली वर्मा, सोफिया डिवाइन शेफाली वर्मा, 13-13 छक्के दोनों का क्या है, बराबर छक्का है। अब देखेंगे दोस्तों ना कैप्टन तो आप लोग को याद हो गया, दिल्ली का है लैनिंग, नाम क्या है, मैक लैनिंग, और एमआई का हरमनप्रीत कौर, आरसीबी का स्मृति मंधाना। तो दो ऐसे टीम है जिसके भारतीय प्लेयर हैं वो कैप्टन है, और बाकी तीन के विदेशी है, जैसे जीजी का कौन है, बैथ मुनी, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया का। उसी तरह आपका पूछेगा यूपी वॉरियर का एलिसा हेली, ये भी कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है एलिसा हेली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का मैग लैनिंग हो गया, एमआई का हरमनप्रीत कौर, आरसीबी का स्मृति मंधाना, आपको तो दो ऐसे ही याद रहेंगे भारतीय का नाम है। ये बोलेगा आपसे क्वेश्चन कि कितने दिनों तक आईपीएल का ये डब्ल्यूपीएल का मैच चला दोस्तों, सॉरी आईपीएल बार बार बोला जाए क्योंकि आईपीएल ये पहली बार डब्ल्यूपीएल भारत में हुआ है। तो डब्ल्यूपीएल 4 मार्च से 26 मार्च तक चला था ये दोस्तों। महंगी विदेशी खिलाड़ियों में सबसे महंगी खिलाड़ी विदेशी में कौन है, भारतीय में तो स्मृति मंधाना आप लोग के याद हो चुका होगा, लेकिन विदेशी में पूछेगा एशली गार्डनर, ये कहाँ से हैं, गुजरात से, रहने वाली कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। उसी तरह एक है नेटली स्क्वायर, ये कहाँ से खेलती है, मुंबई से, लेकिन रहने वाली कहाँ, इंग्लैंड के। लेकिन दोनों कितने करोड़ में मतलब खरीदे गए, 3.0 करोड़, यानी 3 करोड़ 20 लाख में। कितने मैच खेले गए टोटल 22 मैच खेले गए इसमें दोस्तों। डब्ल्यूपीएल के प्रायोजक कंपनी कौन है, सबको पता है, टाटा आईपीएल, क्या बोलते हैं इसे, टाटा आईपीएल। प्रायोजक कंपनी कौन सी है, टाटा आईपीएल। विजेता टीम राशि को कितना, विजेता टीम जो उसे राशि कितने मिले, 6 करोड़। उप विजेता को कितना मिला, 3 करोड़। कहने का मतलब मुंबई को 6 करोड़ और दिल्ली को 3 करोड़ मिला। एक पारी में सर्वाधिक रन कौन बनाया, सोफिया डिवाइन आरसीबी 99 रन, 1 रन से दोस्तों ये वापस चुक गई, नहीं तो पूरे शतक इनका हो जाता डब्ल्यूपीएल का। डब्ल्यूपीएल का सभी मीडिया राइट कौन खरीद चुका था, कंपनी का वाईकॉम 18, नाम क्या है, वाईकॉम 18। ये सभी मीडिया राइट जितने भी ये दिखाने करने के लिए किसके पास है, वाईकॉम कंपनी के पास। अब देखिए भारत ये डब्ल्यूपीएल हो या आईपीएल हो, कुछ भी भारत में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं, इन्हें कौन मतलब देख रेख करती है, संचालन कौन करती है ये सबका, बीसीसीआई। कौन करती है दोस्तों, बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, दिसंबर 1928। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें भी याद रखना पड़ेगा और फुल फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, यानी मुख्यालय मुंबई। देखिए दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं, मुंबई नहीं मारते, दिल्ली लगा देते हैं, लगता है ना कि बीसीसीआई तो दिल्ली में बैठती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुंबई से इसका सब कंट्रोल चलता है। इसका बोलेगा अध्यक्ष अभी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिनी। कहाँ का रहने वाले, कर्नाटक का। रोजर बिनी कहाँ का, कर्नाटक का। उपाध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट इसका, राजीव शुक्ला, रहने वाले यूपी का। ये दोस्तों इस जो पोस्ट में राज लिखल रहता है, कभी कभी पूछ देता है, बोलेगा
बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी है जो किस राज्य के रहने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपसे पूछेगा उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है किस राज्य से, यूपी से। सचिव कौन है अभी, सेक्रेटरी इसका जैसा, कौन है जैसा। दोस्तों जैसा के बारे में तो जान ही रहेंगे, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, फिर भी इन्हें सचिव बना दिया गया है। पता नहीं बीसीसीआई क्या करती है, कैसे चुनती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई क्रिकेटर को सचिव बनाया जाए, इन्हें क्यों बनाया गया, जैसा क्या है। अरे राजनीति पार्टी से उठ के आ गए हैं बीसीसीआई में, क्या इन्हें पता है क्रिकेट के बारे में, लॉन्ग ऑन मिड ऑफ कुछ नहीं पता इन्हों का। सीईओ कौन है अभी, आपको आपके लिए खास होगा, बीसीसीआई का सीईओ कौन है, हेमांग अमीन। कौन है, हेमांग अमीन। क्वेश्चन पूछा हुआ, एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। अब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे मिला, हैली मैथ्यूज का, किसे मिला, हैली मैथ्यूज को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जीता मिला है। तो दोस्तों भारत में ये पहली बार WPL पहला संस्करण, याद रखना है, जीता कौन, मुंबई जीता, दिल्ली को हरा कर 7 विकेट से हरा था। तो दोस्तों ये WPL है, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लें।